ये एक शॉर्ट वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट की जो मैंने ये वीडियो बनाई, टोटल वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि फर्क तो होता है, कल्चर कल्चर का फर्क होता है। कि एक संस्कृति कहती है कि अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा भी जान दांव पे लगा रहा है, आपके लिए कुछ भी कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक वर्कर, सैनिटाइजेशन वर्कर पंजाब की गलियों से निकल रहा है तो लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं, कितना दिल से खुश होता होगा। आप वीडियो देख सकते हो, साथ में चल रही है। और वहीं इंदौर में और यूपी में एक जगह, फिर बिहार में एक जगह, राजस्थान में, अलग अलग जगहों पे ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, डॉक्टरों को मारा गया। आपको वीडियो वो भी दिख रही होगी इंदौर वाली। फर्क तो है, बहुत फर्क है। और तुम कभी मत कहना कि हिंदू मुसलमान बराबर होते हैं। बड़ा फर्क क्रिएट हो चुका है और यह हमेशा से था। नजर जब आता है तब लोगों को बात कर लेते हैं, ये हमेशा से था और समय समय पर नजर आता है। और अभी भी लोगों को डाउट है कि मैं फिर से नफरत फैला रहा हूँ। कुछ नहीं, ये जो हरकत है तुम्हारी ये प्यार करने लायक नहीं है। और इस पर बात करके अगर नफरत फैलाना है तो ऐसी नफरत तुम्हारे लिए सबके अंदर होनी चाहिए। इस हरकत पे तुमसे सबको नफरत करनी चाहिए। भारत के नागरिक बनने लायक नहीं है, इस महान देश के नागरिक ऐसे इंसान नहीं बन सकते जो उन लोगों पे पथराव करें जो अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हारे लिए आ रहा है, चेक करने आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ लोग कमेंट करके बताएं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इन लोगों के बीच में जो हमारा फर्क है ना, हम लोग कभी नहीं भूलें कि हमारा कल्चर क्या है, अगले कल्चर क्या है। ये भूल चुके हैं कि हमारे इनके पूर्वज एक ही थे, और ये बात हमें भी भूलनी होगी। कब तक उस चीज का टोकरा लेके सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलेंगे कि नहीं ये पहले हिंदू थे या मुसलमान बन गए, हमें ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। हम इनको भाई माने, ये हमको चारा माने, ऐसा कब तक चलेगा? इसका मुझे कोई जवाब नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।